हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज संडे है तो थोड़ा सा रिलैक्स वाला दिन है आपके लिए। देखते हैं ये दिन आपके लिए क्या गुड न्यूज़ लेके आया है आपके पार्टनर की तरफ से। देखते हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है आपको लेके स्पेशली। ओके व्यूअर्स, तो एक जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोडिक साइन के लिए होने वाली है, तो इसे पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना भी पार्ट इस रीडिंग का आपके साथ में रेजोनेट करे, उसे क्लेम करिए, उसे एक्सेप्ट करिएगा। ओके, समटाइम गाइज ऐसा भी होगा ये पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, समटाइम ऐसा भी होगा कुछ पार्ट ही इस रीडिंग का रेजोनेट करेगा, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। तो बहुत सारे लोग इस रीडिंग पे आने वाले हैं, तो जितना भी पार्ट आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, ऐसी और रीडिंग्स के लिए। ओके व्यूअर्स, तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी फीलिंग, उनके इमोशंस आपको लेके क्या चल रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन गाइड करिए गाइज। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए गाइज व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल के आता है आज उनकी तरफ से आपके लिए, इमोशन, फीलिंग्स एंड अटेंशन। सो प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके, वी हैव गाइज जॉय, गिल्ट, मिरेकल, गॉसिप, impartiality, ओके, एंड वी हैव आइसोलेशन। ओके व्यूअर्स, तो ये कार्ड निकल के आए हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, आज के दिन की एनर्जी यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है गाइस हमारे पास बैलेंस। ओके व्यूअर्स, सो व्यूअर्स यहाँ पे आज सबसे पहले गाइस ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है कि आज आपके पार्टनर ने गाइस इस रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे कोशिश की है, इस चीज को मतलब देखने की, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचने की, समझने की। आई थिंक गाइज यहाँ पे ये कार्ड यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक जैसे कि एक बंधन में आपके पर्सन गाइज कहीं ना कहीं जरूर हैं, यहाँ पे ये भी फील हो रहा है। और वहाँ पे रहते हुए, वहाँ पे अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हुए, अपने कामों को करते हुए, अपनी लाइफ में जीते हुए भी वो आपके बारे में सोच रहे हैं। अभी की एनर्जी गाइज ये बता रही है। ओके, तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन सब कुछ करते हुए दिमाग में कौन है इस समय, वो आप हैं। तो गाइज वो एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके, इम्पार्शियल हो रहे हैं गाइज, जो आपके पर्सन जैसे कि पहले इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना रहे थे, ठीक है, आपके ऊपर कम ध्यान देना या फिर आपकी जो नीड्स है उनको फुलफिल ना कर पाना। ओके, मतलब एक तरफ कम फोकस और एक दूसरी लाइफ में, मतलब एक पार्ट लाइफ का ऐसा जिसपे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो गाइज ये चीजें मुझे नजर आ रही है आपके पर्सन के दिमाग में, उनके दिल में, कि वो इन चीजों को लेके कहीं ना कहीं गिल्ट में चल रहे हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप को, इस पर्सन को सही से टाइम नहीं दिया और ये मेरी कहीं ना कहीं गलती रही है और मुझे इस गलती को अब बैलेंस करना है, टाइम देना है मुझे दोनों ही जगह पे, आपको भी टाइम देना है, इस रिश्ते को टाइम देना है और अपनी लाइफ के अदर आस्पेक्ट जो है जहां पे भी वो इन्वॉल्व है वहां पे भी मुझे टाइम देना है। तो गाइज यहाँ पे बैलेंसिंग सिचुएशन नजर आ रही है, जो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं था, मिसिंग चल रहा था, ठीक है, इग्नोरेंस वाली सिचुएशन चल रही थी, तो वो चीजें कहीं ना कहीं गाइज उन चीजों से आपके पर्सन उन चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पे भी हैं आपके पर्सन इस समय गाइज ये नजर आ रहा है कि अकेलापन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि लाइफ में खाली खालीपन है, मतलब एक खालीपन की एनर्जी गाइज यहाँ पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है कि सब कुछ है, मतलब लाइफ अच्छी खासी है, कुछ ऐसी वजह से तो कोई कमी नहीं है, बस जो कमी है वो एक आपकी कमी है। तो गाइज ये वो कमी आपकी, आपके पर्सन आई थिंक बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, कुछ चीजें आपकी आपके पर्सन के पास में है, ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। आपके पर्सन ने आज उन चीजों को देखा है, जो भी आपकी कुछ भी हो सकता है, कोई क्लॉथ हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है आपका दिया हुआ, ठीक है, जो आपने उनको दिया, यहाँ तक कि गाइज ये चीजें नजर आ रही है कोई। एंड गाइज इन चीजों को लेके आपके पर्सन गाइज एक इनविटेशन की एनर्जी आपके लिए लेके फील आ रहे हैं, ठीक है। इनविटेशन गाइज यहाँ पे ये है क्योंकि हमारे पास मिरेकल की भी एनर्जी है गाइज। ओके, तो एक गाइज एक इनविटेशन यहाँ पे ओपन हुआ है कि वो आपकी लाइफ में एंटर करना चाहते हैं, आपको जैसे कि अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो बुलाना चाहते हैं। तो गाइज ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। सो व्यूअर्स, बातें भी हो रही है यहाँ पे, आई थिंक आपके पर्सन ने आज आपके बारे में किसी और से भी बात की है, किसी और से कनेक्ट करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। ओके,
तो आपके रिलेशनशिप को किसी और से डिस्कस किया गया है और उस पर्सन ने उनको एक राह बताई है कि आप ये कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है गाइज, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे गाइज जो मिराकल की एनर्जी हमने जो रीडिंग करी थी, आई थिंक कल रात रीडिंग करी थी, आई थिंक सुबह की थी, उसमें भी मिराकल का कार्ड निकल के आया था। तो गाइज ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए वर्क करने ही वाली है। ओके, तो बहुत जल्दी ये चीज़ें आपकी लाइफ में डेवलप होने जा रही हैं जो आपको और आपके पार्टनर को कनेक्ट करने जा रही है एक दूसरे के साथ में। तो कनेक्शन यहाँ पे इस्टैब्लिश हो रहा है और ये कभी भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम फ्रेम नहीं है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में टाइम फ्रेम थोड़ा प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग होती है, हर एक की सिचुएशन अलग होती है। ओके, टाइम फ्रेम अलग होता है, प्लैनेट के इम्पैक्ट अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पे गाइज मिराकल है तो यानी ये एनर्जी जरूर आपके लिए वर्क करेगी कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ओके, तो पॉजिटिव चेंजेस गाइज यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे खुशी मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के अंदर। तो आज आपके पर्सन इस रिलेशनशिप के बारे में जैसे उन्होंने बात की है किसी से, आपके बारे में सोचा है, आपकी कमी को फील किया है, ठीक है, अकेलापन फील किया है, उनको लगा है कि आपके साथ में कनेक्ट होना चाहिए, इस रिलेशनशिप पे फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो इसीलिए गाइज यहाँ पे खुशी की एनर्जी निकल गई जो इस रिलेशनशिप को दिखाती है कि हाँ इस रिलेशनशिप में फिर से खुशी आने वाली है, फिर से एक नई सुबह होने वाली है, फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है। रिलेशनशिप में जो बैलेंस मिसिंग था वो बैलेंस आने वाला है, एक दूसरे को समझने की एनर्जी क्रिएट होने वाली है, एक दूसरे के लिए सपोर्ट की एनर्जी क्रिएट होने वाली है। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे हमारे पास क्रिएशन है, ये कार्ड भी गाइज यही दिखाता है कि लाइफ एक नए सिरे से न्यू बिल्डअप होने जा रही है। ओके, ये पर्सन अपनी तरफ से शुरुआत कर रहा है ताकि ये रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो सके, इसमें फिर से नई शुरुआत हो सके, फिर से नई उम्मीद नजर आ सके। ठीक है, हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के लिए हम जो फील करते हैं उसे एक्सप्रेस कर सके सही ढंग से। तो गाइज ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई जा रही है आपके पर्सन की तरफ से। ओके व्यूअर्स, तो देखते हैं व्यूअर्स और क्या निकल के आता है। सो प्लीज डिवाइन गाइड करिए, बताइएगा, प्लीज डिवाइन हेल्प करिए, क्या होने वाला है इस मिराकल का इम्पैक्ट इनकी लाइफ के ऊपर, प्लीज डिवाइन गाइड करिए। ओके ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स की गाइस हमारे पास एनर्जी है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके, पेज की एनर्जी है ओके कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एरीज लियो सजिटेरियस, एट ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्टार, जस्टिस, ओके, एंड वी हैव गाइज द मून की एनर्जी। ओके व्यूवर्स, सो व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक हेरियोफेंट का। ओके व्यूवर्स, अगर गाइज आप यहाँ पे खुद देखेंगे तो हमारे पास आज मेजर एनर्जी बहुत ज्यादा, यानी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे वो मेजर होंगे, बड़े लेवल पे होंगे भी चेंजेस। और कहीं ना कहीं लाइफ में जो नेगेटिविटी है ना, ये मून का कार्ड नेगेटिविटी यानी एक आइसोलेशन को दिखाता है, लाइफ में सैडनेस को दिखाता है। तो गाइज वही आपके पर्सन के लाइफ में है, वो सैडनेस चल रही है, लोग उनसे बात करते हैं लेकिन वो किसी की बात का उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो भी अगेंस्ट में, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में बोला जाता है उसको वो समझते नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको डिनाई करते लोग, उनको यही लगता है कि मेरे रिलेशनशिप को लेके लोगों की गलत एक सोच बन चुकी है, मैं कुछ और सोचता हूँ या सोचती हूँ और ये पर्सन कुछ और सोचते हैं सोचते हैं। तो गाइज ये भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, इसीलिए गाइज यहाँ पे अकेलेपन की एनर्जी है क्योंकि वो आपकी बात आपके लिए जो फील करते हैं दूसरों को जब समझाने की कोशिश करते हैं तो लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, लोग उसका गलत ही मतलब ले जाते हैं। तो गाइज ये चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन गाइज आपके जो पर्सन है इस मिराकल के थ्रू गाइज यहाँ पे आपके लिए जस्टिस निकल गया है कि आपके पर्सन आपके साथ में जस्टिस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के साथ में जस्टिस कर रहे हैं, वो आपको टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक अपना हक देने की कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज ये नजर आ रहा है कि उनके लिए उनके मतलब वो अपने आप को ओपन अप कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है गाइज, जो अब वो पर्सन आपसे दूर हो रहा था, हाइड कर रहा था अपने आप को, डिसीजन नहीं ले रहा था, क्लैरिटी नहीं दे रहा था गाइज, तो वो अब ओपन अप कर रहा है। ठीक है, क्लैरिटी के साथ में ओपन अप कर रहा है कि हाँ मेरे दिल में तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स है, मैं ये फील करता हूँ या ये फील करती हूँ और मुझे इन चीज़ों को अब और ज़्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं इसे ओपनली सबके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो गाइज ये चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का गाइज यहाँ पे कार्ड है, यानी भाग्य का एक टाइम फ्रेम आपकी लाइफ में गाइज चेंज होने जा रहा है, ये बहुत जल्दी होगा। ओके, क्योंकि हमारे पास गाइज यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, यानी आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं।
डेली बेसिस पे एफर्ट्स लग रहे हैं क्योंकि उनको आपकी कमी अब बहुत ज्यादा खलने लगी है, उनको अकेले नहीं रहना, ठीक है। तो गाइज उनके दिमाग में हमेशा कहीं ना कहीं आपके थॉट्स चलते रहते हैं, आपकी एनर्जी चलती रहती है, आपका प्यार चलता रहता है, आपकी जो भी बातें हैं जो एक दूसरे के साथ में आपने टाइम बिताया है वो चीजें चलती रहती हैं। तो जैसे कि आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो गाइज उन चीजों के लिए बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हैं, और वर्क करने कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे आपकी तरफ ऑफर लेके आ रहा है, ठीक है, आपके लिए प्यार लेके आ रहा है, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहा है, आपको एक्सेप्ट करना चाहता है, आपके लिए प्यार ऑफर करना चाहता है, आपको अपने दिल की बातें बताना चाहता है कि मैं आपके लिए क्या फील करता हूँ, मेरी ट्रू फीलिंग्स क्या है, ओके। तो गाइज इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपको लेके अपनी फीलिंग्स को जाना है कि मैं इसके लिए सच में प्यार करता हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी पर्सन है और मैं इसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पे आपके पर्सन जहाँ पे भी हैं उस बंधन को रिलीज करके आपके साथ में कनेक्ट होने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बहुत पावरफुल एनर्जी है गाइस, जैसे कि टावर यहाँ पे बिल्डअप नहीं है, बिल्डअप हो रहा है डिजास्टर की जगह, यहाँ पे टावर बिल्डअप हो रहा है, यानी आपकी खुशियों का टावर यहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है, ठीक है। टावर का मतलब गाइस हमेशा जब भी हम वैसे अदर टैरो देखते हैं तो उसमें एक नेगेटिव थॉट्स निकल के आते हैं, जैसे टारो डिजास्टर होता है ना, लाइफ में जो सोचा वो उसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे जैसे सोचा गया उसको बिल्ड किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए वर्क किया जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस एक उम्मीद नजर आ रही है, तो मिरेकल की गाइस आपके लिए एनर्जी जो वर्क करने वाली है, ओके, बैलेंस होने वाला रिलेशनशिप है आपको दोनों का। तो गाइज यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही हैं, वो खुद से पर्सन इन चीजों के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, ओके व्यूअर्स। तो राशि भी मैंने आज आपको बताई है, तो गाइज ये सभी राशि आपके लिए जो वर्क करने जा रही है यहाँ पे वो भी नजर आ रहा है। कुछ गाइज और कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं ये जो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ये और क्या इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, इस पर्सन की क्या प्लानिंग्स है आपको लेके, ओके। तो वैसे तो गाइज यहाँ पे ओपनली यहाँ पे क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल चुकी है, कार्ड ने यहाँ पे यही आपको बताया है कि आपकी लाइफ में चेंजेस जो भी आएंगे इस रिलेशनशिप को लेके वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी उम्मीद दिखाई दे रही है, ओके। पोस्टपोनमेंट का गाइज यहाँ पे कार्ड है, गाइज यहाँ पे ये कार्ड जो है आपके लिए खुशखबरी लेके आया, क्योंकि गाइज यहाँ पे आपके पर्सन और ज्यादा इस रिलेशनशिप को लेके अपने डिसीजन को लेके पोस्टपोन नहीं कर रहे, यानी उसको और ज्यादा डिले नहीं कर रहे, एक्शन लेने के लिए रेडी नजर आ रहे हैं। उनको ये क्लैरिटी मिल चुकी है, उनको खुद को क्लैरिटी मिल चुकी है, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। तो जिन लोगों का भी एक रियूनियन पोस्टपोन हो रहा था, बहुत ज्यादा डिले चल रहा था, आपके पर्सन एक कंफ्यूजन में चल रहे थे कि लूं इसकी तरफ बढ़ूं या ना बढ़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उनसे आपके पर्सन यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, ओके। इंटीग्रेशन है, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ में, सोल कनेक्ट हो रही है एक दूसरे के साथ में, अपना प्यार कनेक्ट हो रहा है। तो वही उन्हीं चीजों को लेकर आपके पर्सन ने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि हाँ मुझे अब आगे बढ़ना है, ओके, मुझे अपने पार्टनर के साथ में, अपने प्यार के साथ में, अपनी लाइफ के साथ में अब मुझे कनेक्ट होना है। तो यहाँ पे गाइज इंटीग्रेशन हो रहा है, दूसरे के साथ में कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, ओके। लेटिंग गो की गाइज यहाँ पे एनर्जी है, यानी जो भी मतलब जो भी डिले था वो जा रहा है, ठीक है, डिले आपकी लाइफ से निकल रहा है, कुछ चीजें पास ऑन हो रही हैं, ठीक है, पेन रिलीज हो रहा है लाइफ के अंदर से। तो गाइज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि निकल रही हैं, बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज जो आपके लिए वर्क कर रही है, और ये आपके लिए लाइफ में हार्मनी लेके आ रही है, पीस लेके आ रही है, सुंदरता है गाइज यहाँ पे विचारों की, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने की, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि वो पर्सन आपके लिए ट्रस्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, मतलब वो कुछ भी कर जाने वाली एनर्जी में है कि उनको फर्क नहीं पड़ता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हाँ अब मुझे एक्शन तो लेना ही है क्योंकि मुझे इसी में खुशी मिलती है और मुझे इस पर्सन के साथ में ही खुशी नजर आ रही है। तो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन एक ऐसा स्टेप लेने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे उनको खुद को नहीं पता ये रिश्ता कहाँ जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जब जो भी होगा लाइफ के अंदर वो बहुत अच्छा होगा, उसी में मेरी खुशी है। तो गाइज ये यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है, ओके व्यूअर्स। तो ये एनर्जी थी आज आपके लिए, आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूअर्स हुई है तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है। तो मैं मिलती हूँ नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।